नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराग की वाणी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है अनुराग। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग मेरी कहानी तो सुन लेते हैं पर वीडियो को लाइक नहीं करते। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो। तो बिना समय बर्बाद किए सीधा कहानी पर चलते हैं। तो हेडफोन्स लगाइए और इस कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। कई दिनों से दीपेश के पापा का व्यवहार बहुत बदल चुका था। वह बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़े और गुस्सैल स्वभाव के हो गए थे, जबकि वह पहले ऐसे नहीं थे। वह बहुत ही खुशनुमा और विनम्र व्यक्ति हुआ करते थे। समाज में उनका बहुत ही खास रुतबा हुआ करता था। समाज के सभी लोग उनकी बहुत ही इज्जत करते। लेकिन ना जाने इन दिनों दीपेश के पिता रवि किरण को क्या हो गया था। वह ज़्यादातर गुस्से में ही रहते थे और बात बात पर चिढ़ जाते थे। साथ ही इन दिनों उनकी आवाज़ भी बहुत भारी हो गई थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। और सबसे मुख्य बात यह भी थी कि उनका शरीर भी दिन ब दिन बदल रहा था। मतलब वह पहले की तरह तेजस्वी और तंदुरुस्त नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था अंदर ही अंदर किसी वजह से खोखले हो रहे हो। बाहर से बीमार दिखाई पड़ते और जब भी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने के लिए कहा जाता तो हर बार वह गुस्सा करते। फिर भी किसी तरह उनकी पत्नी और उनकी माँ उन्हें डॉक्टर के पास ले ही गए। डॉक्टर ने बताया उनके शरीर में खून की बहुत ही कमी हो चुकी है, खून चढ़ाना पड़ेगा। और फिर यह सिलसिला अब हर बार ही होता। रवि किरण को खून चढ़ाने की आवश्यकता हर बार ही पड़ती। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि खून चढ़ाने के बाद भी कुछ दिनों बाद उनके शरीर में फिर से खून की कमी क्यों हो जाती है। दीपेश 15 वर्षीय एक किशोर था। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता था, लेकिन इन दिनों उसके परिवार में एक अजीब तरह की अशांति छाई हुई थी। एक अजीब तरह की मनहूसियत महसूस होती थी उसे। उसके पिता का व्यवहार दिन ब दिन अजीब सा हो रहा था। इस वजह से वह अपने व्यापार में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब ज़्यादातर घर पर ही रहने लगा था, इसलिए घर की कई जिम्मेदारी माँ और दीपेश की दादी के ऊपर आ गई थी। इन दिनों दीपेश अपने घर में कई अजीबोगरीब चीज़ें भी महसूस कर रहा था। उस दिन वह रात को अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसे पायल के छनकने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहन के घर में यहाँ से वहाँ घूम रहा हो। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि यह आवाज़ सिर्फ दीपेश को ही सुनाई पड़ रही थी, उसके बाजू में सोई हुई उसकी माँ को नहीं। दीपेश यह आवाज़ सुनकर थोड़ा डरा, लेकिन फिर सोचने लगा कि आवाज़ कहाँ से आती होगी। वह देखने के लिए बाहर गया, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। वह वापस अपने कमरे की तरफ आ रहा था कि तभी फिर से छन छन की आवाज़ आई। उसने फिर से मुड़कर देखा, इस बार भी उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसे बड़ा अजीब लग रहा था। दीपेश के पिताजी के व्यवहार में आता हुआ बदलाव से घर में सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे। रवि किरण की माँ तो यह तक बोलने लगी कि कहीं इस पर बाहरी आबो हवा का साया ना हो गया हो, इसलिए उन्होंने घर पर एक पंडित जी को बुलाया। जब वह पंडित जी उनके घर पर आए तो तब उन्हें आते ही एहसास हो गया कि इस घर में बहुत ही खतरनाक नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। लेकिन उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और सीधे वह रवि किरण के पास गए। रवि किरण ने जैसे ही पंडित को देखा, वह अचानक से बहुत गुस्सा करने लगे। लेकिन पंडित जानते थे कि यह किस वजह से हो रहा है। उन्होंने रवि किरण के सर पर हाथ रखकर अपनी आंखें मूंदी, लेकिन अचानक से रवि किरण ने उनका हाथ सर से झटक कर अपने से अलग कर दिया और उस पंडित को उन्होंने बहुत ही गंदी गंदी गालियां दी, साथ ही बहुत ही भला बुरा बोला। यह सब सुनकर उस पंडित को गुस्सा आ गया और वह बिना कुछ कहे उस घर से चला गया। अब यह सब देखकर रवि की पत्नी, उसकी माँ और दीपेश भी परेशान हो गए।
क्योंकि वह कुछ समझना नहीं चाहते थे। जो पंडित थे उन्हें भी रवि की वजह से जाना पड़ा। यही दिनों दिन दीपेश के पिताजी की तबीयत दिन ब दिन खराब होती रहती। उनके शरीर में खून की कमी होती ही रहती, पर हर बार उन्हें खून की बोतल चढ़ानी पड़ती। वह बहुत खोखले नजर आते, खाना पीना भी बहुत कम कर दिया था। एक दिन की बात है, उन दिनों गर्मियों का दिन था, इसलिए दीपेश के परिवार के लोग अपने घर की छत पर सो रहे थे। दीपेश उस दिन नीचे हॉल में अकेले ही टीवी देख रहा था। उसके पसंदीदा पिक्चर आई हुई थी जो कि उस वक्त टीवी पर चल रही थी, इसलिए वह देखने के लिए वह नीचे ही रुक गया और बाकी सभी लोग ऊपर सोने के लिए चले गए। जब पूरी पिक्चर खत्म हो गई तब दीपेश टीवी बंद करके उठने को हुआ कि उसका ध्यान गया कि थोड़ी ही दूर पर बने हुए बाथरूम का दरवाजा अचानक से खुल गया था। दीपेश ने यह भी ध्यान दिया कि अभी कोई भी हवा नहीं चल रही थी और बाथरूम की कड़ी अच्छी तरह से लगी हुई थी, वह अचानक ही खुल गई थी। दीपेश को वह आवाज अच्छी तरह से आई थी कि किसी ने उस कड़ी को खोला था जब वो टीवी देख रहा था, पर तब उसने ध्यान नहीं दिया और हॉल में तब से कोई आया भी नहीं था, जबकि हवा से उस कड़ी का खुलना मुमकिन नहीं था। दीपेश को ऐसा महसूस हुआ उसके अलावा उस हॉल में और भी कोई मौजूद है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे याद आया कि सभी लोग ऊपर छत पर अभी सोए हुए हैं। अभी इस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। दीपेश बाथरूम की ओर चला गया जिसके दरवाजे खुलने की आवाज उसे आई थी। उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और थोड़ा हवा के कारण अंदर बाहर हो रहा था, जबकि हवा तो वहां चली ही नहीं रही थी। फिर कुछ सोचकर दीपेश ने उस दरवाजे को ज्यों ही वापस से बंद करने को आगे ही हाथ बढ़ाया, अचानक से उसे लगा कि अंदर से कोई एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से होकर गुजरा हो। उसका ध्यान इस तरफ बहुत अच्छी तरह से गया, लेकिन उसने फिर बाथरूम का दरवाजा लगा दिया। उसके बाद जब दीपेश बाहर आया तो उसे उसके पापा के कमरे से आवाजें आने लगी। यह वही छनछन की आवाज थी जो उसे कुछ दिनों पहले आ रही थी, जैसे कोई पायल पहनकर घर में घूम रहा हो। वह आवाज दीपेश के पापा के रूम से आ रही थी, इसलिए वह अपने पापा के कमरे में गया। उसने देखा दीपेश के पापा अपने कमरे में खड़े हुए थे और उनकी आंखें सूनी थी। वह बिल्कुल स्थिर खड़े हुए थे। जैसे ही दीपेश अंदर आया अचानक उन्होंने अपने दोनों हाथ आगे किए। उनके हाथों में एक कटोरा था। उस कटोरी को उन्होंने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था और दीपेश को देखते ही वह बोले, आओ बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? दीपेश के पापा ने बड़े ही अजीब से स्वर में कहा। वह बोल तो रहे थे लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वे बिल्कुल शून्य से थे। दीपेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह बस अपने पापा को गौर से देख रहा था। फिर वह थोड़ा आगे आए और दीपेश के सामने उन्होंने वह कटोरा आगे कर दिया। दीपेश ने देखा तो डर के मारे वह पीछे हो गया, क्योंकि उस कटोरे में कुछ खून लगा हुआ था। फिर दीपेश के पापा उससे बोले, मुझे तुम्हारा थोड़ा खून चाहिए, क्या तुम मुझे दे सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे तुम्हारा थोड़ा खून दे दो। यह कहते हुए अचानक से दीपेश के पापा की आंखें पूरी तरह से काली हो गईं और उनके मुंह के आसपास खून की कुछ बूंदें अपने आप उभरने लगी। यह देखकर दीपेश बहुत डर गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए कमरे से बाहर दौड़कर आया, तभी वह अपनी मम्मी से टकरा गया। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और दादी तुरंत ही नीचे आए थे। उसको घबराता देखकर दीपेश की माँ ने उससे पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो, क्या हो गया? मम्मी, वह कमरे में पापा बहुत अजीब दिख रहे हैं, वह मेरा खून मांग रहे थे, बहुत डर लग रहा है मम्मी, प्लीज मुझे बचा लो। दीपेश की बात सुनकर दीपेश की माँ और दादी उस कमरे में गए जहां पर अभी अभी दीपेश को उसके पापा अजीब से अवतार में दिखाई दिए थे, लेकिन उस कमरे में कोई भी नहीं था। यह देखकर दीपेश की मां ने उसे कहा,
पर मम्मी, मैंने पापा को ही देखा था। उनकी आंखें पूरी काली हो गई थी और वह मुझसे मेरा खून मांग रहे थे, दीपेश ने फिर डरते हुए कहा। तो दीपेश की माँ ने उसे अपने से लगा लिया। फिर उन्होंने परेशानी से दीपेश की दादी की तरफ देखा। दीपेश की दादी भी कुछ कुछ समझ रही थी। दीपेश की बातें पूरी तरह से झूठी भी नहीं थी, वह यह तो समझ रहे थे, लेकिन दीपेश के सामने वह यह बता नहीं सकते थे क्योंकि वह और उसे डराना नहीं चाहते थे। बेटा, शायद तुम्हें भ्रम हो गया हो, इसलिए मैंने कहा था इतनी रात तक टीवी नहीं देखो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। चलो अब साथ में सोने चलो। यह कहकर दीपेश की माँ उसे अपने साथ लेकर गई। वह बहुत चिंतित हो गई क्योंकि दीपेश जो कह रहा था वह कोई झूठ भी नहीं था। उनके घर में कई दिनों से बहुत ही अजीबोगरीब असामान्य चीजें हो रही थी जो कि उसकी दादी और दीपेश की माँ को भी समझ में आ रहा था, लेकिन दीपेश अभी छोटा था, वह उसके सामने यह सब कह नहीं सकते थे। किसी तरह पूजा पाठ करवाकर वो दिन निकाल रहे थे, पर यह काफी नहीं था। आखिरकार एक दिन दीपेश की दादी मंदिर में पूजा का बहाना करके घर से बाहर गई। वह अपने एक रिश्तेदार के पास गई जिनसे उनके बहुत अच्छे संबंध थे। उन्होंने उन्हें अपने घर के बारे में बताया और अपने बेटे के बारे में जो परिवर्तन उसमें दिखाई दे रहा था। उन्होंने यह भी बताया कि वह कोई भी पूजा पाठ में शामिल नहीं होता और कोई अगर उसे जानना चाहता है तो उसे भी वह दूर कर देता है। यह सुनकर उन्होंने दादी को एक सुझाव दिया। उनके पहचान के एक सिद्ध तांत्रिक थे जो कि ऐसी चीजें बहुत जल्दी पहचान जाते थे। उन लोगों ने दीपेश की दादी को उनसे मिलवाया भी और दीपेश की दादी ने सब कुछ बताया कि किस तरह से उनका बेटा अजीब तरह से व्यवहार इन दिनों कर रहा है, उनके घर में भी अजीब सी चीजें हो रही हैं। उस पर वह तांत्रिक कुछ नहीं बोला। वैसे भी वह देखने में बिल्कुल भी तांत्रिक नहीं लग रहा था। उसकी वेशभूषा बिल्कुल सामान्य आम जनों की जैसी थी। उसने सादी शर्ट और पैंट पहन रखी थी, लेकिन चेहरे में बहुत ही तेज दिखाई पड़ रहा था। उसने दीपेश की दादी से कहा कि कल वह उनके घर पर आएंगे। फिर दूसरे दिन वह उनके घर पर आया। वह एक मेहमान बनकर आया था और उन्हें देखते ही वह समझ गए कि दीपेश के पिताजी के ऊपर कोई बुरा साया लगा हुआ है। उन्हें रवि को छूने की भी जरूरत नहीं पड़ी। फिर उन्होंने इशारा करके रवि की माँ को बाहर बुलाया। उन्होंने उनसे कहा, कल मैं यहाँ वापस आऊँगा, मुझे कुछ चीज़ों की जरूरत होगी तो कल मैं अपने साथ लेकर आऊँगा और उसके बाद ही आपको बताऊँगा कि उनके साथ क्या हुआ है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया, लेकिन दीपेश की दादी बहुत परेशान हो गई क्योंकि उन्हें तो लग ही रहा था कि उनके बेटे पर कोई ना कोई साया तो है। अब उस तांत्रिक की बातों से उन्हें और भी डर लगने लगा था। दूसरे दिन वह वापस घर पर आए। इस बार उनके पास कुछ सामान था। उनके पास एक मुर्गा था और उनके पास एक झोला भी था जिसे कंधे पर वह लटकाए हुए थे। उन्होंने रवि किरण को बुलाने को कहा। पहले तो रवि किरण आ ही नहीं रहा था। फिर अचानक से उस तांत्रिक ने उस पर एक राख की फूंक मार दी जिससे कि रवि किरण यानी कि दीपेश के पापा चुपचाप आकर बैठ गए। फिर उस तांत्रिक ने उसके सिर के ऊपर अपना हाथ रखा। अब तक वो शांत हो चुका था। उस राख की वजह से उस पर धुंध सी छाई हुई थी। कुछ देर बाद तांत्रिक ने अपनी आंखें खोली। फिर उन्होंने पीछे बैठी हुई दीपेश की दादी और माँ से कहा, इन पर किसी ने तंत्र किया है, वह भी बहुत ही भयानक वाला, और जलन की वजह से किसी ने इन पर तंत्र किया है और उन पर एक सरकटी औरत का साया उनके पीछे लगा रखा है जो कि रोज ही इनका खून पीती है। जैसे ही उन्होंने यह कहा, यह सुनकर माँ और दादी बहुत ही ज्यादा डर गए। तभी वह सोचने लगे कि हर बार खून की बोतल चढ़ाने के बावजूद रवि किरण के शरीर में खून अपने आप इतना कम कैसे हो जाता था। फिर उस तांत्रिक ने रवि की तरफ देखा और इस बार अपने झोले से फिर से और राख निकाली और फूंक दी। उसके बाद रवि किरण अचानक से गुर्राने लगा और उसकी आवाज बहुत ही अजीब सी होने लगी। उसकी आंखों की पुतली भी पूरी काली हो चुकी थी। कौन है तू और क्यों इसके पीछे पड़ी है? उस तांत्रिक ने रवि के अंदर बसे सरकटी औरत के साये से कहा, मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ, मुझे जबरदस्ती इसके पीछे लगाया गया है जिसकी वजह से मैं यहाँ से भी जा नहीं सकती जबकि मुझे खुद भी मुक्ति चाहिए।
उस भारी आवाज में रवि के अंदर बसे साय ने कहा। तांत्रिक समझ गया कि रवि के ही किसी पहचान वाले रिश्तेदार ने उनके सामाजिक रुतबे और उनकी तरक्की से जलकर उन पर काला जादू करवा दिया, और वह भी बहुत ही भयानक वाला। ठीक है, मैं तुझे मुक्ति दिलवा दूंगा, लेकिन फिर तू उसके शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी, तांत्रिक ने कहा। तो रवि, जो कि अभी उस साय के कब्जे में था, उसने सिर्फ अपना सिर हिलाया। फिर उस तांत्रिक ने अपने पास से जो मुर्गा लाया था उस मुर्गे को सामने रखा। फिर उसने अपने झोले पर से एक कटोरा निकालकर उसे नीचे रखा, और उसके बाद उसने खून से भरी हुई थैली निकाली, जो कि वह आते हुए कसाई के पास से बकरे का खून ले आए थे। वह जानता था। वह सब वस्तुएं निकालकर उन्होंने एक तरफ रख दी। फिर उन्होंने कुछ तंत्र पढ़ते हुए अपने अंगूठे पर चाकू से चीरा लगाया। जहां से खून निकलने लगा, उसी खून के अंगूठे को उन्होंने रवि के माथे पर लगाकर मंत्र बुदबुदाना शुरू किया। अचानक से रवि की रन अजीब तरह से हिलने लगे, मानो वो कांप रहा हो, और आवाज बहुत भारी हो गई। लेकिन फिर अचानक से वही आवाज धीरे धीरे करके पूरी तरह सामान्य हो गई, और रवि पूरी तरह से शांत हो गया। उनकी आंखें अभी भी बंद थी। अब इस बार हैरान करने वाली बात उस मुर्गे में थी। वह जो मुर्गा था, जो अब तक सामान्य दिख रहा था, अचानक से उस मुर्गे की आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी थी, क्योंकि तांत्रिक ने रवि के शरीर से सरकटी औरत के साये को निकालकर मुर्गे के शरीर में डाल दिया था। इस वजह से मुर्गे की आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी। अब मुर्गा बिल्कुल स्थिर हो गया था। फिर उन्होंने उस कटोरे को लिया और उसमें उन्होंने उस खून को डाल दिया जो वो थैली में लाए थे, और उस मुर्गे ने एक ही बार में वह पूरा खून से भरा हुआ कटोरा पी लिया। उन्होंने सभी परिवार वालों को बताया कि रवि अब ठीक है और अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। साथ ही उन्होंने उनकी कलाई पर एक लाल धागा भी बांध दिया। फिर वह तांत्रिक उस मुर्गे को लेकर चला गया, क्योंकि उस मुर्गे को उसे ऐसी जगह पर छोड़ना था जहां पर इंसान बिल्कुल भी आते जाते नहीं हो, जहां से इंसान का बिल्कुल भी दूर दूर तक कोई वास्ता ना रहे। ऐसी जगह उस मुर्गे को छोड़ना था, क्योंकि उस मुर्गे के अंदर अब उस सरकटी औरत की आत्मा आ चुकी थी। आखिरकार उन्होंने ऐसी जगह ढूंढ ली जहां पर इंसान दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते, और वहीं घने से उस जंगल में उन्होंने उस मुर्गे को छोड़ दिया। वह मुर्गा उस घने जंगल में आगे चलकर गायब हो गया। दीपेश के पिताजी अब ठीक हो गए थे, उनकी आवाज भी सामान्य हो चुकी थी, लेकिन इस घटना के 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। उस सरकटी औरत के साय ने दीपेश के पिताजी के शरीर में रहते हुए अंदर ही अंदर उन्हें खोखला कर दिया था। उनके खून की मात्रा हद से भी ज्यादा कम हो चुकी थी, जिस वजह से उनका शरीर जर्जर हो चुका था। इसलिए वह 2 साल ही जी पाए, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। आज भी उस घटना से दीपेश और उसका परिवार उभर नहीं पाए थे, और उनसे जलनखोरी रखने वालों ने उन पर तंत्र क्रिया करवा दी, जिससे कि आज उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, यह थी पहली कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। आज से 9 साल पहले, जब सुबह सुबह कजरी अपनी माँ रमा के साथ शौच के लिए अपने हाथ में लोटा लेकर गांव से बाहर एक जंगली पेड़ों से भरे इलाके में जाती है। गांव का वो इलाका केवल महिलाओं और लड़कियों के शौच के लिए पंचायत द्वारा तय किया गया होता है। वहां पर कोई पुरुष सुबह और संध्या के समय नहीं जाता। अगर कोई जाता है और शौच करती स्त्रियों को देखता पकड़ा जाता है तो उसे बुरी सजा मिलती है। कजरी। 9 साल पहले कजरी की उम्र यही कोई 15 से 16 वर्ष होती है। कजरी एक सीधी सादी और सांवली सी मासूम लड़की है, जो अपने माता रमा और सुरेश की सबसे बड़ी बेटी है। गरीब परिवार से होने के कारण कजरी की माँ बंधुआ मजदूरी का काम करके अपने 5 बच्चों का पेट पालती है, और कजरी के पिता शारीरिक रूप से कोई भी काम करने में असमर्थ हैं। वो घर पर ही रहकर बच्चों की देखभाल करते हैं। वैसे तो कजरी अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करती थी, मगर सिर्फ वहां अच्छा सरकारी खाना खाने और सहेलियों से बातें करने,
पढ़ लिख कर कुछ बनने का और जिंदगी में सफल होने का कजरी का कोई लक्ष्य नहीं था और ना ही इरादा। कजरी को ये पता था कि जैसे ही उसकी उम्र होगी तो उसके गरीब माता पिता उसकी शादी किसी अनजान लड़के से कर देंगे और उसे बस बच्चे पैदा करके अपना घर परिवार संभालना है। जैसे ही वर्षों से राजस्थान की गरीब घर और समाज लड़कियों के साथ होता आया है, लड़की 16, 17 या 18 की हुई नहीं कि उसके हाथ पीले कर दो और भेज दो उसे किसी अनजान अजनबी के बिस्तर पर सोने के लिए और बच्चे पैदा करके उसका वंश आगे बढ़ाने, घर का सारा काम किसी नौकरानी की तरह करने और अपने सास ससुर के ताने गालियां और मार खाने के लिए। दिखने में कजरी सुंदर नहीं थी, सेक्सी या आकर्षित नहीं थी, मगर मन की बड़ी भोली चंचल और मासूम थी। और फिर सुबह सवेरे उस सुनसान जंगल के पेड़ों से भरे कांटेदार इलाके में अपनी माँ से थोड़ा दूर बैठकर कजरी ने सोच करना शुरू किया ही था कि अचानक अपने डरे सुए शब्दों में खौफ खाते खाते कजरी अपनी माँ से चिल्लाकर बोली, माँ माँ जल्दी आओ, माँ देखो ये अचानक क्या हो गया माँ। और ये कहते हुए कजरी बुरी तरह से डर जाती है और कजरी को अचानक चिल्लाता देख कजरी की माँ रमा फौरन अपना घाघरा नीचे करके दौड़ते हुए कजरी के पास आकर देखती है तो वो देखकर चौंक जाती है कि जमीन पर कजरी के मूत्र के साथ रक्त की लाली साफ दिखाई दे रही थी। और ये देखते ही कजरी की माँ की सांस में सांस आती है और वो अपनी मासूम बच्ची को संभालते हुए मुस्कुराते हुए कहती है कि नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है तुझे कजरी। एक उम्र के बाद हर लड़की के साथ ऐसा होना शुरू हो ही जाता है, मेरे साथ भी हुआ था जब मैं 16 की हुई थी। और ये कहते हुए कजरी की माँ रमा उसे मासिक धर्म के बारे में पहली बार बताती है और कजरी को संभाल कर आगे के निर्देश देती है। और रमा की बातें सुनकर कजरी कुछ समझ नहीं पाती और बड़ी मासूमियत से रमा से पूछती है कि पर माँ ऐसा क्यों होता है, क्या मैं मरने वाली हूँ माँ, अब ये खून कैसे रुकेगा और मैं अब क्या करूँ माँ। और कजरी के उन मासूम सवालों को सुनते ही रमा अपनी ओढ़नी से कपड़ा फाड़कर कजरी को देते हुए कहती है कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना होता है मेरी बच्ची, कितनी भोली है रे तू, इसका मतलब यही है कि अब तू बड़ी हो गई है कजरी, ले ये कपड़ा ले और अपने वहां से खून पोंछ ले, बाकी बातें मैं तुझे घर पर बताऊंगी, अब आराम से सोच कर ले और फिर मेरे साथ घर चल। इतना कहते हुए रमा कजरी को अपने साथ घर ले आई। घर आकर कजरी अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलने लगी और उछल कूद करने लगी और रमा अपने कामों में व्यस्त हो गई। और फिर सबने दोपहर का खाना खाया और रमा दोपहर के 2 बजे कजरी के पास आई और कजरी को समझाते हुए बोली कि देख बेटी, जो तेरे साथ हुआ है उन दिनों में लड़कियों को कुछ खास बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि खुले बालों में घर से बाहर नहीं निकलना, नहाते समय अपने बालों को खुला रख कर नहीं नहाना, किसी भी तरह की कोई खुशबू लगाकर भी बाहर नहीं जाना, ऐसी हालत में हम स्त्रियों को भगवान की पूजा करना भी अच्छा नहीं है और खासकर संध्या के समय अकेले किसी वीरान और ऐसी जगह पर नहीं जाना जहां आसपास भगवान का कोई मंदिर ना हो। और एक और बात बेटी, जो कपड़ा मैंने तुझे वहां पोंछने के लिए दिया था और लगाने के लिए दिया था उसका खास ख्याल रखना, उसे यहां वहां मत फेंक देना, उसे कल अच्छे से धोकर उसकी जगह पर दूसरा कपड़ा लगाकर उसे सुखाने डालकर सूख जाने के बाद किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना, समझी, उसे यहां वहां मत फेंक देना। मेरी इन सब बातों को ध्यान से सुनकर समझ ले बेटी, मैं मजदूरी पर जा रही हूँ और शाम को आऊंगी वापस, समझी ना। और कजरी से ये सब कहते हुए रमा अपने काम पर चली गई। रमा तो चली गई मगर मासूम भोली कजरी ने रमा की किसी बात और चेतावनी को गौर से नहीं सुना और अपने छोटे भाई बहनों के साथ खेलने लगी। खेलते खेलते जब सब थक गए तो अपने भाई बहनों के साथ कजरी सो गई। और फिर शाम के तकरीबन 6:30 बजे कजरी के पड़ोस की एकमात्र उसी की उम्र की एक सहेली गुड़िया उसके पास हाथों में लोटा लिए आई और अपने पेट को जोर से पकड़ते हुए कजरी से बोली, अरे अरे कजरी,
मुझे बड़ी जोर की सोच लगी है यार, और घर पर सब काम पर गए हैं, मेरे साथ चलने वाला कोई नहीं, और मुझे शाम के समय अकेले वहां जाने में डर लगता है कजरी। तू थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलना, अगर तुझे भी सोच लगा है तो अपना लोटा ले ले। और ये कहते हुए कजरी की एकमात्र बचपन की सहेली गुड़िया कजरी को अपने साथ चलने के लिए बार बार जिद करने लगती है, और कजरी अपनी गुड़िया की बात टाल नहीं सकती थी, तो अपनी माँ की कही हर चेतावनी वाली बात को भूलकर कजरी अपनी उसी महावारी की हालत को भूलकर गुड़िया के साथ उसी बियावान सुनसान इलाके में चली गई, जहाँ ना ही आसपास कोई भगवान का डर था और ना ही उनकी कोई देखरेख करके रोक टोक करने वाला। और जैसे ही शाम के समय तकरीबन 7:45 को गुड़िया के साथ कजरी उस खतरनाक जगह की तरफ चलते ही जा रही थी, तो अचानक गुड़िया ने अपनी जेब से एक खुशबूदार डिओड्रेंट की शीशी निकालकर कजरी को दिखाते हुए बोली कि देख रही कजरी, आज मुझे बड़े भैया की जेब से क्या मिला, देख तो इसकी खुशबू कितनी मन को लुभाती है। और ये कहते हुए चंचल गुड़िया ने नादानी में कजरी के कपड़ों पर वो खुशबूदार डिओड्रेंट लगा दिया, और फिर कुछ समय बाद गुड़िया उस बियावान सुनसान स्थान पर एक पेड़ के पीछे बैठकर कजरी को अपने पास ही खड़ा करके सोच करने लगी। कजरी भी एक पेड़ की आड़ में शाम के अंधेरे में अपने हाथों में एक पुरानी सी टॉर्च पकड़कर गुड़िया के काम पूरा होने का इंतजार करते हुए कुछ गुनगुना रही थी, और फिर अचानक कजरी के पेट में गुड़गुड़ हुई और कजरी को तेज का पेशाब आया, तो एक कांटेदार झाड़ी के पीछे अपना घाघरा ऊंचा करके कजरी इधर उधर देखते हुए पेशाब करने लगी। उधर गुड़िया अपना काम कर रही थी और इधर कजरी पेशाब कर रही थी। शाम के दियाबाती का समय बीत चुका था और चारों तरफ घोर अंधेरा था और दूर दूर तक कोई नहीं था सिवाय ठंडी चलती हवा और उड़ उड़ कर अपने घोंसले में जाते पक्षियों के। और फिर कुछ ही क्षणों में कजरी ने पेशाब करके अपनी चड्ढी पहनते हुए घाघरा नीचे किया, और अचानक कजरी से एक नादानी हुई। अचानक कजरी को गुड़िया की आवाज आई कि आजा कजरी, मेरा हो गया, जल्दी आजा। और गुड़िया की आवाज सुनते ही कजरी उठने की जल्दबाजी करने लगी, और कजरी से नदानी हो गई कि जो कपड़ा उसकी माँ रमा ने कजरी को महावारी के समय गुप्त अंग पर लगाने के लिए दिया था, पेशाब करते समय वो खून से सना कपड़ा कजरी से गलती से वहीं गिर गया। मगर कजरी को जल्दबाजी में कोई होश ना रहा, और कजरी अपना घाघरा नीचे करके गुड़िया के साथ साथ अपने हाथों में टॉर्च लिए वापस घर की ओर चलने लगी थी कि अचानक गुड़िया के पैर में एक कांटा चुभ गया और गुड़िया कजरी से थोड़ा सा पीछे रह गई। कजरी को ये पता नहीं था, और अपने बदन पर खुशबू लगाए हुए कजरी एक बेर के पेड़ के पास से गुजर रही थी कि अचानक पीछे से गुड़िया की आवाज आई, कजरी मैं आऊं क्या तेरे साथ? और गुड़िया का ऐसा पूछना कजरी को उसकी शैतानी लगी, और बिना कुछ सोचे समझे ही कजरी ने कह दिया कि हाँ आ जा मेरे साथ, तेरे बिना मैं कैसे रह पाऊंगी रे, और कजरी हंसने लगती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बैर बैरी का पेड़ इसलिए जरूरी है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि भारत के हर ग्रामीण क्षेत्र में बेर के पेड़, इमली के पेड़ और पीपल जैसे लगने वाले एक और पेड़ को पुराणों के अनुसार बुरी आत्माओं और भूतों और पिशाचों का घर माना गया है। अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं कि दोपहर 12 बजे के समय और शाम के दियाबाती के समय इन सभी पेड़ों से दूर रहना चाहिए, ना ही इनके नीचे आसुद होकर खड़ा रहना चाहिए और ना ही इनके नीचे शौच या पेशाब करना चाहिए। अगर गलती से कर भी दो तो अपने मुंह से थूक कर आगे बढ़ना चाहिए, वरना आपके साथ किसी शैतानी शक्ति या बुरी आत्मा पीछे आ जाती है। और गाँव के बड़े बूढ़े लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि कभी भी ऐसी वीरान और अशुभ जगह पर कोई पीछे से आवाज या किसी भी परिचित की आवाज में पूछे कि मैं तेरे साथ आ जाऊं, तो उसके सवाल का कोई जवाब नहीं देना चाहिए, वरना ये उन शैतानी शक्तियों और बुरी आत्माओं की चाल होती है जो अपने अपनों की आवाज निकालकर आपसे ये कहलवाना चाहती है कि मेरे पीछे या मेरे साथ आ जाओ। और अगर एक बार आप गलती से भी उन्हें अपने अंदर या अपने पीछे आने को कह देते हैं तो फिर परिणाम बहुत भयानक होता है। और ऐसी ही एक नहीं
कई गलतियां कजरी ने कर दी थी। पहली गलती, एक तो घर से बाहर महावारी में खुशबू लगाकर गई, दूसरा अपने महावारी का खून से सना कपड़ा ऐसी अशुद्ध और आकारात्मक जगह पर गिरा दिया जहां आसपास भगवान का कोई वास नहीं, और अपनी गुड़िया की आवाज समझकर कजरी ने किसी को कह दिया था कि आ जाओ मेरे पीछे, तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूंगी। और जैसे ही कजरी ने इतनी सारी गलतियां करते हुए आखिरी गलती करते हुए गुड़िया की आवाज समझकर उस शैतानी एंटिटी को अपने साथ आने की बात कही, तो अचानक अगले ही पल कजरी को ऐसा लगा जैसे उस सुनसान बियावान अशुद्ध जंगल के इलाके में अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और सारे पेड़ों के पत्ते डरावनी आवाज निकाल निकाल कर सर सर करते हुए कजरी से कुछ कहने लगे। दूर के कुत्तों की दर्द में रोने की डरावनी आवाज आने लगी और जैसे ही कजरी को ऐसा लगने लगा कि अचानक गुड़िया ने कजरी के पास आकर कहा कि अरे तू किसी को अपने साथ आने को कह रही थी कजरी, मैंने तो तुझसे कुछ पूछा ही नहीं, तू भी ना पागल हो गई, अरे यहाँ तेरे मेरे सिवाय और कोई नहीं है, चल घर चल। और ये कहते हुए गुड़िया कजरी का हाथ पकड़कर घर ले जाने ही लगी थी कि अचानक कजरी का सर जोर से चकराने लगा और फिर अगले ही क्षण कजरी बेहोश होकर उसी बेरी के पेड़ के नीचे गिर पड़ी और जोर जोर से अपने मुंह से की डरावनी आवाजें निकालने लगी। और जैसे ही उस मासूम गुड़िया ने कजरी को ऐसी डरावनी हालत में देखा तो उसे कुछ सूझा नहीं और वो फौरन अपना लोटा वहीं पर पटक कर वहां से उस घोर अंधेरे में भाग खड़ी हुई। और उधर कजरी की माँ रमा काम से घर लौटी और कजरी को घर पर ना पाकर सुरेश से पूछने लगी कि अजी कजरी नहीं दिख रही, कहाँ गई है। और ये सुनकर सुरेश बोला कि कजरी तो गुड़िया के साथ शौच करने गई है, काफी देर हो गई उसे जाकर, अब तक तो आ जाना चाहिए था। और जैसे ही रमा ने सुरेश की ये बात सुनी तो एक अनजाने डर ने रमा के मन को झंझोर कर रख दिया और अगले ही पल रमा बेसुध होकर वहां से ऐसे उस जंगली इलाके की तरफ भागी जैसे रमा ने कोई भूत देख लिया हो। और जैसे ही रमा के आसपास पड़ोस वाले और सुरेश ने रमा को ऐसे डरकर कजरी कजरी करके चिल्लाते हुए भागते हुए देखा तो अगले ही पल सुरेश और रमा के आसपास रहने वाले पड़ोसी और बच्चे रमा के पीछे पीछे भागने लगे। और जैसे ही रमा आधे रास्ते पहुंची तो अचानक रमा ने देखा कि सामने से वो मासूम बच्ची गुड़िया अपनी आंखों में खौफनाक डर और दहशत लिए बेतहाशा दौड़ती हुई रमा के घर की ओर आ रही थी। और जैसे ही रमा ने ये देखा तो रमा समझ गई कि जरूर कजरी के साथ कोई अनहोनी हुई है और गुड़िया उसी की वजह से डर गई है। और बीच रास्ते में ही रमा ने गुड़िया को पकड़ा और ऐसे बोल पड़ी जैसे रमा को सब कुछ पता हो कि कजरी के साथ क्या हुआ है। बता गुड़िया बता, कजरी कहाँ बेहोश होकर पड़ी है, ले चल मुझे वहां। और ये सुनते ही गुड़िया ने रमा का हाथ पकड़कर उस मनहूस जगह बेरी के पेड़ के नीचे ले जाने लगी और रमा के पीछे पीछे सुरेश और सारे मोहल्ले वाले भी रमा के पीछे पीछे दौड़ने लगे। रात का तकरीबन 7:30 का घोर अंधकार का समय था, सर्दी के दिन थे जब दिन छोटे और रातें घोर सरद अंधेरी और सुनसान होती है। और जैसे ही गुड़िया के साथ दौड़ते हुए रमा और अंधेरे में उस मनहूस जगह पर उस बेरी के पेड़ के पास पहुंची और सामने जमीन पर पड़ी कजरी को देखा तो ये देखकर रमा की रूह कांप गई। कजरी जमीन पर लेटी लेटी अपने मुंह से खौफनाक आवाजे हु 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 करके निकाल रही थी। उसके हाथ पैर ऐसे अकड़ गए थे मानो उसे मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो। कजरी के बाल पूरे खुले थे और उसके कपड़ों से कोई सैंड की महक आ रही थी। और फिर रमा ने कजरी की आंखें देखी तो कजरी की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी और सफेद सी हो गई थी मानो उनमें कोई जिंदगी नाम की चीज ही नहीं थी। और कजरी की ऐसी हालत देखते ही रमा समझ गई थी कि गुड़िया और कजरी ने मजाक मजाक में कुछ शरारत की है और इसीलिए कजरी के ऊपर कोई ऊपरी हवा यानी कि शैतानी साई की हवा लग गई है। और ये समझ आते ही रमा ने वही किया जो अक्सर गांव के लोग ऐसी किसी परिस्थिति में करते हैं,
रमा ने सुरेश और दूसरों की मदद से कजरी को फौरन उठाया और उसे वहां से सीधा अपने मोहल्ले के श्री राम देव बाबा के मंदिर में ले आई। अक्सर राजस्थान में ऐसी किसी परिस्थिति में गांव के लोग ऊपरी हवा गलने वाले किसी शख्स या औरत को अपने पास वाली किसी मस्जिद के पीर बाबा, फकीर बाबा या मंदिर के किसी सिद्ध साधु या पुजारी के पास ले जाकर उसकी हवा से पीड़ित व्यक्ति पर झाड़ा लगवाते हैं और फिर ऐसा करते ही कोई भी व्यक्ति जो ऐसी किसी शैतानी शक्ति से प्रभावित हो वो उस झाड़ की मदद और ऊपर वाले की कृपा से एकदम ठीक हो जाता है। झाड़ा उसे कहते हैं जिसे कोई बंदा या औरत जिसका भगवान के प्रति ईमान और धर्म पक्का हो वो अपने मुंह से फूंक मारकर या किसी झाड़ू या मोर पंख के झाड़ू को पीड़ित व्यक्ति के सर पर मारता है जिससे उस पीड़ित व्यक्ति के ऊपर हर प्रकार की बुरी बला, बुरी नजर और शैतानी साए के असर को उतार देती है। और ऐसा ही रमन ने कजरी के साथ किया और जैसे ही श्री राम देव बाबा के मंदिर की एक बुजुर्ग धार्मिक औरत ने कजरी को झाड़ा दिया तो अगले ही पल कजरी धीरे धीरे होश में आ गई और देखते ही देखते चंद मिनटों में सामान्य पहले जैसी होकर रमा से बातें करने लगी। पिछले आधे घंटे घंटे का कजरी को कुछ भी याद नहीं था सिवाय इसके कि वो पेशाब करके गुड़िया के साथ घर आ रही थी। और ये सुनते ही रमा सब समझ गई कि कजरी ने एक साथ कितनी गलतियां की थी, मगर एक गलती रमा से भी हो गई। जल्दबाजी में कजरी को रामदेव बाबा के मंदिर ले जाते समय रमा को याद नहीं रहा कि कजरी महावारी के दिनों से गुजर रही थी। ऐसे में रमा को कजरी को मंदिर के अंदर नहीं ले जाना था बल्कि बाहर झाड़ा दिलवाना था। खैर, रामदेव बाबा के मंदिर में उस बुजुर्ग महिला के झाड़ के कारण कजरी के सर से उस शैतानी साए का असर उस समय के लिए तो उसके सर से उतर चुका था, मगर कजरी और उसके परिवार के साथ आगे क्या होने वाला था इससे सभी लोग अनजान थे। मगर अब देर हो चुकी थी और ऊपर से रमा को यह भी नहीं मालूम था कि उस मनहूस जगह पर कजरी गुड़िया के भरोसे किसी शैतानी शक्ति को अपने साथ आने को कह चुकी थी। और इस बात से अनजान रमा और सुरेश कजरी की तबीयत सुधारने के कारण रात के तकरीबन 9 बजे कजरी को घर ले आए और फिर सबने मिलकर खाना खाया और रात के तकरीबन 11 बजे सब घर की बत्तियां बंद करके सो गए। और फिर जैसे ही रात के 1 बजे तो अचानक धु 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 की डरावनी आवाज सुनकर रमा और सुरेश गहरी नींद से जागे। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मानो जैसे कोई डरावनी डायन अपनी खौफनाक और भयानक हंसी से किसी की मौत बनकर उसकी मौत पर हंस रही हो। और आधी रात गए किसी की ऐसी भयानक हंसी की आवाज सुनकर रमा का माथा थनका और वो धीरे से सुरेश से बोली कि अजी, कजरी पर झाड़े का कोई फर्क नहीं पड़ा, लगता है कजरी अपने साथ किसी को ले आई है, आप उसे संभालो, मैं दौड़कर मदद लाती हूँ। और सुरेश से ये कहते हुए रमा उस घोर अंधेरे कमरे से धीरे धीरे रेंगते हुए घर की चौखड़ तक पहुंची। और फिर सुरेश ने फौरन उठकर जैसे तैसे लाइट चालू की तो ये देखकर सुरेश आह की डरावनी और डर भरी चीख चीखा कि कजरी का घाघरा और उसके पैर और उसके शरीर का निचला हिस्सा उसी के महावारी के रक्त से लालम लाल हो चुका था और अपनी डरावनी सफेद बीजान आंखें लिए कजरी हे, 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 की अजीब सी डरावनी हंसी हंसते हुए अपने हाथ से उस रक्त को अपने मुंह के पास लाकर सूंघ रही थी और चाटने की कोशिश कर रही थी। और जैसे ही लाइट जली और रमा ने ये देखा तो दौड़कर रमा घर के बाहर भागी और चिल्ला चिल्ला कर कुछ पड़ोसियों को जमा किया और वापस घर में सबके साथ लौट कर आई तो रमा के साथ साथ सारे मोहल्ले वाले देखकर हैरान रह गए। वो मासूम सी 15 साल की कमजोर पतली कजरी 50 किलो के सुरेश के ऊपर बैठी है और अपने मुंह से किसी डायन की तरह हु, 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 की भयानक आवाजें निकालते हुए सुरेश का गला दबा रही थी। कजरी के छोटे भाई बहनों ने उसे रोकने की कोशिश की तो कजरी ने उन्हें मारकर डराकर रोते हुए एक कोने में सिकुड़कर बैठने के लिए मजबूर कर दिया
और अपने सामने इतने सारे लोगों को देखते ही डरावनी आवाज की हंसी निकालते हुए कजरी सुरेश के ऊपर से फौरन उठी और रमा के साथ साथ उस कमरे में आए हर इंसान पर शैतानी हमला कर दिया। कभी कजरी किसी को अपने पहने नाखून मार देती तो कभी किसी को कसकर झापड़ मार देती। आधी रात के उस घोर अंधेरे में कजरी के मासूम पतले शरीर में किसी हाथी के समान ताकत आ गई थी और कजरी ने एक नहीं दो नहीं कई सारे आदमियों और लड़कों को मार मार कर भगा दिया। और फिर अचानक कोई दौड़कर जाकर श्री राम देव बाबा के मंदिर वाली उस माई को सब कुछ बताकर ले आया तो अगले ही मिनट माई ने वहां आकर देखा तो माई फटी आंखों से देखकर बोली कि नहीं नहीं रमा, कजरी के ऊपर सिर्फ ऊपरी हवा नहीं थी, कजरी उस मनहूस जगह से अपने साथ किसी शैतानी बला को ले आई है। अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कल तुम पास वाले गांव की मस्जिद में कजरी को ले जाना और वहां एक बुजुर्ग पीर बाबा एक ताबीज बनाकर देंगे, उसे कजरी को बांध देना, बाकी सब राम जी की इच्छा। और रमा से ये कहते हुए वो माई वहां से डर कर भागी जैसे उसने अपने सामने कोई डायन देख ली हो। और फिर बड़ी मुश्किल से पड़ोसियों ने कजरी के शरीर पर गंगा जल और मंदिर की पवित्र बानी अगरबत्तियों की राख डालकर कजरी को वश में किया और किसी साड़ी से बांधकर सुला दिया। और फिर अगले दिन सवेरे ही उस काली अंधेरी रात के शैतानी काल के गुजर जाते ही सुबह कजरी फिर से पहले जैसे सामान्य हो गई। और ऐसा होते ही रमा कजरी को लेकर फौरन पास वाले गांव के मस्जिद वाले बुजुर्ग पीर बाबा के पास आ गई। मगर जैसे ही रमा कजरी को लेकर मस्जिद की पहली सीढ़ी पर गई तो अगले ही क्षण अचानक कजरी के अंदर की उस शैतानी शक्ति ने अपना हैवानी रंग दिखाना शुरू कर दिया और कजरी फिर से अजीब सी डरावनी हरकतें करने लगी और सबको अपनी खौफनाक आवाज से डराने लगी। और जब उस मस्जिद के आसपास के लोगों ने और मस्जिद के कुछ इबादतियों ने ये सब देखा तो सबने मिलकर कजरी को पकड़ा और जबरन मस्जिद के अंदर ले गए। और जैसे ही कजरी ने मस्जिद के अंदर कदम रखा तो फिर से वह शांत हो गई और बेसुसी होने लगी। और फिर रमा कजरी को लेकर पीर बाबा के पास गई तो पीर बाबा ने कजरी की हालत देखते ही उसे अपने खुदा के पाक मंत्रों से फूका हुआ ताबीज पहना दिया और रमा से बोला कि कुछ दिनों के लिए किसी भी हाल में ये ताबीज बच्ची के हाथों से उतारना मत। और रमा से ये कहते हुए फिर पीर बाबा ने रमा को मस्जिद का फूका हुआ पाक पानी दिया और कहा कि हर शाम सूरज ढलने के बाद कुछ दिनों तक इस पाक मस्जिद के पानी से अपने घर के उस कमरे में छींटे देना जिस कमरे में ये बच्ची सोती है। कुछ दिनों में ही उस शैतानी साय का बंधन बच्ची से टूट जाएगा। बच्ची को अकेले किसी नापाक जगह पर मत जाने देना। और ये सलाह रमा को बताकर पीर बाबा फिर से अपनी मालिक की सेवा में लग गए। ये सच है, कोई झूठ नहीं कि मस्जिद और मठों में वास करने वाले और वहीं रहकर मालिक की हर पल सेवा और इबादत करने वाले कुछ लोगों के पास सच में भगवान और खुदा का दिया ऐसा चमत्कारी इल्म होता है जिसकी मदद से वो सारे जरूरतमंदों की मदद करते हैं। मगर एक सच ये भी है कि कुछ शैतानी शक्तियां काले साए इतने भयानक और जिद्दी होते हैं कि वो अगर एक बार किसी के सर चढ़ जाएं तो उतरने में सालों लगा देते हैं या उस पीड़ित व्यक्ति के मरने के बाद ही उसके सर से उतरते हैं। और ऐसा ही भयानक जिद्दी और दरिंदगी से भरपूर साया कजरी के अंदर कजरी की ही आज्ञा से घुस चुका था, जो कोई आम शैतानी हवा नहीं थी बल्कि किसी की पीड़ित हैवानी रूह थी। उस साय ने धीरे धीरे कजरी के मासूम बचपन और भोलेपन को भयानक तरीके से बदलकर कजरी को एक मनचली और थोड़ी सी आवारा किस्म की लड़की बना दिया था, जो कजरी कभी कभी स्कूल सहेलियों से मिलने और कुछ खाने के लालच में जाती थी। वो अब हर दिन स्कूल जाने लगी और लड़कों से बातचीत करने और उनसे दोस्ती करने जैसे कामों में ज्यादा रुचि लेने लगी। कभी जिस कजरी की बस गुड़िया के सिवा कोई दोस्त नहीं था, वहीं अब कजरी को हर मोहल्ले के लड़के जानते थे और उसके आने जाने पर उसे छेड़ते थे। फिर भी बाबा के ताबीज का असर कजरी पर लंबे समय के लिए रहा, मगर वो शैतानी शक्ति उस ताबीज से बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी। उस ताबीज की वजह से अब 2-4 महीने में एक बार कजरी की हालत हैवानी तरीके से बिगड़ती थी। और रमा कजरी को श्री रामदेव बाबा के वहां ले जाकर झाड़ा लगवाकर ठीक कर देती थी
और ऐसा करते करते तकरीबन 2-3 साल बीत गए। रमा ने कजरी के हाथ से वो पीर बाबा का दिया ताबीज कभी निकाले नहीं दिया, मगर कजरी की आदतें दिन ब दिन बुरी और चरित्रहीन होती जा रही थी। रमा बेचारी काम पर चली जाती और शारीरिक रूप से कमजोर सुरेश कजरी के पीछे पीछे कहां कहां जाकर उस पर ध्यान देता। और देखते ही देखते ऐसा होते होते 4 साल बीत गए और अब कजरी 19 साल की हो चुकी थी और उसकी कई सारे आवारे लड़कों से दोस्ती भी हो चुकी थी। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत, और यही हुआ कजरी के साथ भी। अब कजरी ने गुड़िया जैसी भोली लड़कियों से दोस्ती तोड़कर अपने जैसी आवारा किस्म की लड़कियों से दोस्ती कर ली, जो कजरी से सारा दिन लड़कों के बारे में अलग अलग तरह की अश्लील बातें करती थी, और वो सब करती थी जो आवारा लड़कियां करती हैं। कजरी को एक लड़के ने चुपके से एक मोबाइल फोन भी दिया, जिससे कजरी उस लड़के से ही नहीं बल्कि कई सारे लड़कों से छुप छुप कर अश्लील बातें करती थी। अब तो बात हद से ज्यादा बढ़ गई थी, और फिर एक दिन वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कजरी को उसके एक प्रेमी ने उसी मनहूस सुनसान जगह पर पेड़ों के पीछे दोपहर के 12 या 1 बजे बुलाया। तो दोस्तों, कहानी अभी बाकी है। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप लोग इसके आगे की कहानी सुन सकते हैं। इसके आगे की कहानी मेरे दूसरे चैनल हॉरर स्टोरीज बाय सागर पर अपलोडेड है, तो लिंक पर क्लिक करिए और जाइए इसके आगे की कहानी सुनिए।